हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द टैरोट वाइब। सो गाइस, आज हम देखने वाले हैं सितंबर मंथ की लव रीडिंग। ओके, 1 to 15 सितंबर वर्गो राशि की लाइफ में क्या होने वाला है। ओके, अगर गाइस आपकी वर्गो राशि है तो आप इसे ज़रूर देखें। ओके, और गाइस लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम वर्गो राशि के लिए 1 to 15 सितंबर क्या होने वाला है उनकी लव लाइफ में। किंग ऑफ सॉर्ड, दी सन, दी मून। गाइस एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। हैंगमैन, सिक्स ऑफ कप्स। गाइस दी मैजिशियन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं हम। थ्री ऑफ पेंटिकल्स। गाइस मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी लव लाइफ में सितंबर 1 to 15 बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। ओके, आपकी लव लाइफ में आप जो भी करना चाहते हो और जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस है वो यहाँ पर मुझे फुलफ़िल होते हुए दिख रही है। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक है अपना थ्री ऑफ पेंटिकल्स। गाइस इससे ये पता चल रहा है कि आपकी जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस, इस वक्त अगर आप किसी तरह के फाइनेंशियल क्राइसिस में हो तो गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बहुत जल्दी वो सॉर्ट होने वाला है। ओके, और गाइस यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि आपकी तरफ बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आ रही है कि आप बहुत सारे इवेंट को अटेंड करने वाले हो, बहुत सारे सेलिब्रेशंस करने वाले हो। गाइस मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपकी लाइफ में इस वक्त बहुत ही पॉजिटिविटी है और नंबर ऑफ ऑफर्स आपकी तरफ आ रहे हैं। गाइस यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है, और इतने ऑफर्स के बाद आप मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप थोड़े कन्फ्यूज भी होने वाले हो कि आप किसे ग्रैब करें किसे ना करें। ओके, गाइस यहाँ पर मुझे आपकी लव लाइफ में कुछ एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं आप या फिर आपके पर्सन। ओके, आप दोनों में से कोई भी एक किसी तरह का एक्शन ले सकता है गाइस, और यहाँ पे एक्शन मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्शन दिख रहा है। ओके, वो आपके लव लाइफ से, आपके फ्यूचर से रिलेटेड कोई बड़ा एक्शन ले सकते हैं, यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है। ओके, और गाइस यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस दिख रही है। आपके पास नंबर्स ऑफ ऑप्शंस होंगे। ओके, आपको जिस भी चीज़ में आप बहुत टाइम से कंफ्यूज रहे होंगे, हार्डवर्क कर रहे होंगे, गाइज इस वक्त यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि सितंबर में आपकी वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। और गाइज मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि इस आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ रही है। गाइज अगर आपने पास्ट में कुछ नेगेटिव फेस किया है, कुछ नेगेटिव सिचुएशन फेस की है, सो गाइज यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि वो सारी नेगेटिविटी इस वक्त आपकी तरफ से जा रही है। ओके, और आपकी तरफ सिर्फ पॉजिटिविटी आ रही है। सो गाइज आप पॉजिटिवली ये सारी सिचुएशन को हैंडल कीजिए। ओके, नंबर्स ऑफ ऑप्शन से आपकी लाइफ में नंबर ऑफ ऑफर्स आ रहे हैं। सो गाइज इसे पॉजिटिवली आप इसे ग्रैप कीजिए। ओके, फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक गाइज 1 to 15 आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी यहाँ पर दिख रही है। गाइज मुझे यहाँ पर नेगेटिविटी कुछ भी नहीं दिख रही है। ओके, आपकी लाइफ में जो भी आपने बहुत टाइम से सोचा है कि आपको ये चाहिए या आपको जो भी चाहिए होगा, आप जिस चीज़ के लिए भी बहुत टाइम से हार्डवर्क कर रहे हो अपनी लव लाइफ को लेकर, गाइज वो यहाँ पर सभी पूरी होते हुए दिख रही है। ओके, तो हम देख लेते हैं यूनिवर्स का क्या मैसेज है आपके लिए। गाइस आप कॉन्फिडेंट रहे, आपका कॉन्फिडेंट ही आपकी सक्सेस की होगी। ओके, आप जिस भी एरिया में आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं अपनी लव लाइफ में या फिर आपकी करियर में, गाइस आपको कॉन्फिडेंट रहना है। ओके, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। गाइस हर एक सिचुएशन में आपको बहुत ही पॉजिटिव रहना है, बहुत ही ट्रस्टफुल रहना है। ओके, आपको कॉन्फिडेंटली रहना है, ऐसा यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए। आप अगर कॉन्फिडेंट रहोगे, आप बहुत ही लविंग नेचर रहेगा गाइज आपका, तो आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। ओके,
सो गाइज़, आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. ओके गाइज, बाय.